अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वर्क इंस्पेक्शन के बारे में बात करूंगा कि वर्क इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या कोई भी इसका नाम हो सकता है, ये क्या होती है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं और किस तरह से इसको रेज किया जाता है, ये सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। वर्क इंस्पेक्शन बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर बनाता है जब भी कोई साइट के ऊपर कोई खास पर्टिकुलर काम वो कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, कुछ एरिया उसने प्लास्टर किया है या उसने कोई पेंट का काम किया है या ब्लॉक वर्क किया है या कोई इंटीरियर फर्नीचर वगैरह का कोई काम उसने कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए वो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट रेज करता है। जब वो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट रेज करता है तो फिर ये इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कंसल्टेंट के पास जाती है। कंसल्टेंट का इंजीनियर उस काम को चेक करता है कि ये एज पर स्पेसिफिकेशन है, मटेरियल सही यूज़ किया है, काम की क्वालिटी सही है, तो वो सारी चीज़ें देखता है। अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर वो अप्रूव कर देता है। तो इस तरह से वो काम अप्रूव हो जाता है और जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर उसकी बिलिंग कर सकता है, उसके पैसे ले सकता है। तो इस मकसद के लिए ये इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ की जाती है, क्वालिटी को चेक करने के लिए, काम की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए और स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो सही यूज़ हुई है या नहीं, मटेरियल सही यूज़ हुआ है इसके बारे में ये चेक करने के लिए कंसल्टेंट इसको यूज़ करता है। कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली इसको रेज करता है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहते हैं, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, डिफरेंट नाम हो सकते हैं लेकिन थीम बेसिकली ऐसा ही होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का, क्लाइंट का, कंसल्टेंट का ये लोगो होंगे। उसके अलावा ये नीचे प्रोजेक्ट का नाम, मैंने यहाँ पे पायस रिंग स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिखा। आप यहाँ पे कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट जो भी आपको आपका जो कंसल्टेंट है या क्लाइंट देगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आईआर का रेफरेंस नंबर, हर डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस नंबर होता है। ये रेफरेंस नंबर की जो गाइडलाइन है वो आपको बेसिकली कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं एज ए जनरल आपको बता सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके जो क्लाइंट है उसका नाम एक्स वाई जेड है, उसके इनिशियल आ जाएंगे। उसके बाद अगर कंसल्टेंट है उसके नाम जो है ए बी सी है तो उसके इनिशियल आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर के इनिशियल पी आर एल, प्रोजेक्ट कहाँ पे वाक़ है, कौन से सिटी के अंदर है, फॉर एग्जांपल वो केपी में है तो केपी आ जाएगा। प्रोजेक्ट का नंबर क्या है, 1 2 3 है तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर रेफरेंस नंबर 001, ठीक है, 001, बट सेकेंड टाइम जब आप बनाएंगे तो 002, फिर 003। तो इस तरह से रेफरेंस नंबर इसका ये क्रिएट होता है। बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट का इनिशियल, कंसल्टेंट का इनिशियल, कॉन्ट्रैक्टर का इनिशियल, जो प्रोजेक्ट कहाँ पे है उसका, प्रोजेक्ट का नंबर और फिर ये यहाँ पे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम यहाँ पे मैंने पायस रिंग लिखा हुआ है, तो पायस रिंग मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख देता हूँ, आपका जो भी नाम होगा। एरिया नेम, कौन से एरिया में वो इंस्पेक्शन है, आप कौन से एरिया में वो इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, तो 17th फ्लोर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 17th फ्लोर, टू बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है, टू बेडरूम अपार्टमेंट, ओके। डेट कौन सी डेट को आप ये इंस्पेक्शन रेज कर रहे हैं, यहाँ पे डेट दो होती हैं, एक जिस डेट को आप ये इंस्पेक्शन रेज कर रहे हैं और दूसरा जिस डेट को वो इंस्पेक्शन होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21 अगस्त को आप ये इंस्पेक्शन रेज कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इस जब ये पहली बार इशू होगी तो रिविजन जाहिर है 00 होगी, नेक्स्ट टाइम होगी तो रिविजन इसकी 1 हो जाएगी, और अगर फिर भी ये अप्रूव नहीं हुआ तो ये मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि रिविजन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन में अगर आप देखें तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन जो भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं। आर्किटेक्चरल होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंटीरियर डिज़ाइन, आईटी का, टाइलिंग का, तो इस तरह से जो भी डिसिप्लिन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल का है तो आप सिविल को यहाँ पे क्लिक कर देंगे या प्रिंट करके इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। यहाँ पे आप इंस्पेक्शन जो करनी है, जो इंस्पेक्शन होनी है उसकी आप डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो उसकी डिटेल क्या लिखेंगे, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, फॉर BLOC के ब्लॉक वर्क कंप्लीशन एट टू बेडरूम AP अपार्टमेंट फ्लैट नंबर, कौन सी 15th फ्लोर है, 17th फ्लोर है तो 1703 कर लेंगे 3 में, एज पर
अप्रूव्ड शॉर्ट ड्राइंग, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये है कि लोकेशन ऑफ वर्क कहाँ पे है, तो लोकेशन ऑफ वर्क कहाँ पे है, ये 17th फ्लोर पे है, 17th फ्लोर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। इस इंस्पेक्शन के अंदर ये हमने यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉक वर्क है, तो ये ब्लॉक वर्क कौन से मटेरियल सबमिटल के अंदर ये अप्रूव हुआ है, तो वो मटेरियल सबमिटल का रेफरेंस आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी और पी आर एल एम ए टी मटेरियल सबमिटल, फॉर एग्जांपल 005 है और उसकी रिवीजन 1 के अंदर ये अप्रूव हुआ है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। जो मटेरियल सबमिटल जो यहाँ पे इस इंस्पेक्शन के अंदर यूज हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा शॉप ड्राइंग रेफरेंस, अब जो भी काम होता है साइट के ऊपर अगर उसने ब्लॉक वर्क लगाया है तो ब्लॉक वर्क किसी ड्राइंग के तहत हुआ है, तो ड्राइंग जो है वो इसके साथ वो अटैच करनी पड़ेगी, तो उस ड्राइंग का भी एक नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पे जो भी है उसको भी एक्स वाई जेड ए बी सी पी आर एल और शॉप ड्राइंग है तो एस डी लिखे जाएंगे, और फॉर एग्जाम्पल वो नंबर उसका 29 है और रिविजन उसकी R3 है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सबमिटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा जिसने भी ये सबमिट किया है, पी आर एल जो हमारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, किसने इंस्पेक्शन के ये रिक्वेस्ट की है, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी बंदे का नाम है, उसकी पोजीशन क्या है, क्यू ए क्यू सी है, क्यू सी इंजीनियर, और उसके बाद ये और उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे जब ये प्रिंट हो जाएगा, और ये कौन सी डेट को उसने मकसद ये साइन किए हैं उसकी वो आ जाएगी। ये वाली जो इंस्पेक्शन डेट है ये वाली एक्चुअली इंस्पेक्शन डेट है, और ये वाली डेट जो है किस डेट को ये इंस्पेक्शन डेट है, मकसद ये वाली डेट वो है जिस डेट को जाके कॉन्ट्रैक्टर जो कंसल्टेंट है इंस्पेक्शन करेगा, और ये वाली डेट वो है जिस डेट को इंस्पेक्शन रेज हुई है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जब प्रेज हो जाती है जी, ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप इसको प्रिंट करते हैं, ये वाला जो इंजीनियर है वो यहाँ पे साइन करता है, डेट लिखता है, इसके साथ फिर आप इसकी कॉपियाँ लगाते हैं, ये वाला जो मटेरियल सबमिटल है इसकी कॉपी लगती है, और ये वाली ड्राइंग ये पर्टिकुलर जिस एरिया के अंदर ये काम हुआ होता है उसको हाईलाइट करके आप इसके अंदर इसके साथ इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। जब ये आप अटैच कर लेते हैं तो फिर आप इसकी कॉपियां बना के जितनी कंसल्टेंट को रिक्वायर्ड होती हैं आप उसको सबमिट कर देते हैं। जब कंसल्टेंट के पास ये चीज़ चली जाती है तो फिर वो उसका जो इंजीनियर है वो साइट के ऊपर जाता है, वो काम को चेक करता है, वो देखता है कि ब्लॉक वर्क जो आपने 17th फ्लोर में 2 बेडरूम के अंदर किया है वो एज पर ड्राइंग है, जो अप्रूव्ड ड्राइंग है उसके मुताबिक है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो अप्रूव्ड मटेरियल यूज़ हुआ है, क्वालिटी बेहतरीन है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ बेहतरीन है एज इट इज़ है तो वो ए स्टेटस दे देगा, अगर कुछ कमेंट है मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो वो अप्रूवेड कमेंट दे देगा, अगर काम उसको नहीं पसंद आया वो चाहता है ये काम थोड़ा बहुत सही हो तो वो रिवाइज रिसबमिट कर देगा, और यहाँ पे अपने कमेंट लिख देगा जी फलां जो इसका साइज है वो इतना है, ऐसे आपने सही या गलत किया है, तो अगर काम बिल्कुल ही गलत हुआ है तो वो रिजेक्टेड, या फिर इंफॉर्मेशन ओनली, मीन्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। नीचे उसका इंजीनियर जिसने चेक किया उसका नाम, उसकी पोजीशन, उसके साइन और उसकी डेट, जब ये सारा कुछ चेक हो जाएगा तो उसके बाद ये कमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दी जाती है और फिर ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से ये वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो रेज की जाती है और इस तरह से इसको बनाया जाता है, फिल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।